बालाघाट नगर मुख्यालय में निर्माणाधीन हॉकी मैच के लिए बन रही दर्शन दीर्घा गैलरी का निर्माण कार्य घोर लापरवाही की भेंट चढ़ा है। इसका निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस हाउसिंग बोर्ड के मुख्य अभियंता ने निर्माण कार्य में चूक पाई और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्माण कार्य में सुधार करने के निर्देश भी जारी किए, इससे दर्शक दीर्घा गैलरी का निर्माण सही से हो सके। दर्शक है उनको पूरे तरीके से दिखेगा नहीं जी, ठीक है ना। तो इसको हम परीक्षण करा करके जी और इसमें जो निर्णय होगा संचालक खेल विभाग का, उससे हम निर्णय लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। ये पुलिस हाउसिंग के मुख्य अभियंता और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बालाघाट में है और आर्किटेक्ट जो इसका निर्माण का जो नक्शा बनाया है उनके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया। हम लोगों ने जो समस्या उठाई थी उसी के परिप्रेक्ष्य में इन लोग का दौरा हुआ है। एक तो गैलरी से कुछ दिखता नहीं है, जो बीच में वीआईपी गैलरी बन रही है वो बिल्कुल बेकार बन रही है, उसको रहने से पूरा कोई औचित्य नहीं है उस वीआईपी गैलरी का, तो वो सबसे बड़ा बाधा है। तो उसको हटाने के लिए हमने कहा हमारा जो मैदान है, मैदान चौड़ाई में कम पड़ रहा है, तो उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, क्योंकि ये मैदान सिर्फ प्रैक्टिस का नहीं है, टूर्नामेंट होता है ऑल इंडिया, इसमें पब्लिक आती है, तो पब्लिक कहाँ बैठेगी, कहाँ देखेगी, तो ये सारी समस्याएं उनको बताएं और उसके ऊपर हमने तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शौकत बिस्तानिस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शौकत, देखिए निर्माण कार्य में सुधार के अब आदेश दिए गए हैं, जब ये पाया गया कि इसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है, लेकिन बात यह है कि इतना निर्माण कार्य जो हम टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपके माध्यम से, तो इतना निर्माण कार्य कैसे हो गया, तब किसी और ने इसकी सुध नहीं ली थी? शौकत, बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है, क्योंकि ये एस्ट्रोटर्फ मैदान बनना है, उसके बाजू में ये दर्शक दरगाह बन रही है जो लगभग 2.5 करोड़ से अधिक की लागत में बन रही है। अधिकांश काम लगभग 60% काम हो चुका है, दर्शक दीर्घा जो सामान्य दर्शक होते हैं उनके लिए बनाई जा चुकी है, और जो दर्शक दीर्घा बनी है उसका खास बात यह है कि उससे मैदान ही नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैदान ही दिखाई नहीं देगा तो दर्शकों को वहां पर बिठाने का क्या उचित है? कुल मिलाकर यह है कि इस निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है। जिस स्थान पर इसको बनाया गया वह स्थान ही उपयुक्त नहीं है, उसे हटाकर बनाया जाना था, जो उनने मैदान के निकट बना दिया गया। इसी बात को लेकर यहाँ पर बालाघाट के कुछ हॉकी खिलाड़ियों ने आपत्ति की, और उसके पश्चात आज मुख्य अभियंता यहाँ पर बालाघाट आए हुए थे, उन्होंने इसका अवलोकन किया और उन्होंने भी पाया कि जो निर्माण कार्य हुआ है यहाँ लापरवाही हुई है, और उन्होंने कुछ सुधार के निर्देश दिए। बावजूद सुधार होने के बाद भी यहाँ पर मैदान दिखाई देगा, खिलाड़ी दिखाई देंगे, खेल दिखाई देगा यहाँ संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन शौकत बात तो यही है, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं ये पूरा करोड़ों का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, तो पहले आप उसका निर्माण कार्य कर देते हैं, उसके बाद जब मुख्य अभियंता यहाँ पे देखने आते हैं, जब ये पाते हैं कि इसमें खामी है, अब वापस से इसको तोड़ा जाएगा, वापस से सुधारा जाएगा, जिसमें ये भी गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी ये मैदान सीधे तरीके से दर्शकों को दिख पाएगा। तो देखिए ये घोटाले की भी इसमें कहीं ना कहीं बू आती है। शौकत, इसमें निश्चित एक बड़ी चूक हुई है, लापरवाही है, जिस तरह से निर्माण को लेकर यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत थी उसे नहीं बनाया गया, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ बनना है मैदान, तो मैदान के लिए आप जब दर्शक दीर्घा बनाना है तो निश्चित ही उसे मैदान का पहले आकलन करना चाहिए था कि मैदान कैसा होगा और उसके बाद हमारे दर्शक दीर्घा कहाँ होगी, लेकिन यहाँ जो दर्शक दीर्घा बनी है इसका कोई औचित्य नहीं, फिलहाल में औचित्य ही कहलाया जा रहा है। कोई लिमिट, कोई टाइम दिया गया है? शौकत देखिए, अब तो जो बनके तैयार हुआ अब उसमें कहा जा रहा है कि निर्माण ठीक करा जाए, वापस से दुरुस्त किया जाए जो खराबी, अब क्या कोई एक टाइम दिया गया है कि कब तक इसका निर्माण कार्य दुरुस्त कर लिया जाएगा? निश्चित ही मुख्य अभियंता ने कहा कि अब इस संदर्भ में भोपाल उच्च स्तर से ही फिर से पहल होगी और क्या निर्देश मिलते हैं उनके निर्देश के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। हाँ। लेकिन फिलहाल में उनने मौखिक निर्देश यह दिए हैं कि जो दर्शक दीर्घा बनी है उसे थोड़ा तोड़ा जाए और उसके बाद उसको कवर किया जाए, इसी तरह से जो कालम बना है उसे भी तोड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे का मैदान नहीं दिखाई देगा या पूरी तरह स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन फिलहाल में जो कब अग्रिम कार्रवाई होगी या एक तरह से लिपापोती जैसे दिख रही है। चलिए बहुत शुक्रिया शौकत तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो पहले आपको बता दें कि दर्शक दीर्घा को बनाया जाता है, करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है, उसके बाद जब दर्शक ही खेल को नहीं देख पाएंगे तो ऐसी दर्शक दीर्घा बनाने का फायदा क्या है? अब जाकर निर्माण कार्य में लापरवाही का खुलासा हुआ है।